महाराष्ट्र में भी सियासी हलचल। मुंबई में शरद पवार के घर महाविकास आघाड़ी की आम मीटिंग खत्म हुई है। एनसीपी सदर शरद पवार ने यह मीटिंग बुलाई थी। बैठक में मौजूद रहे कांग्रेस एनसीपी लीडरान सुप्रिया सुले, अजीत पवार, जयंत पाटिल भी मौजूद थे। महाविकास आघाड़ी की मीटिंग इस वक्त खत्म हो चुकी है। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की महाराष्ट्र से। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज है। मुंबई में शरद पवार के घर पर महाविकास आघाड़ी की यहां बैठक खत्म हुई है। एनसीपी सदर शरद पवार ने मीटिंग बुलाई थी। मीटिंग में मौजूद रहे थे कांग्रेस एनसी लीडर सुप्रिया सुले, अजीत पवार, जयंत पाटिल, कई दिग्गजों को भी इस मीटिंग में देखा गया। महाविकास आघाड़ी की जो मीटिंग हुई इस वक्त खत्म हो चुकी है। आपको बता दें कि इस वक्त महाराष्ट्र में काफी जो सूरत हाल है सियासी हवाले से वो उथल पुथल नजर आती है और स्पीच ये मीटिंग बेहद अहम। और संजय राउत क्या कुछ कह रहे हैं इस वक्त वो भी सुनते हैं। आप उस निर्णय का भारतीय जनता पार्टी की का जो दिमाग चल रहा है कि एक मिस इंटरप्रिटेशन, चुनाव ये सर्वोच्च न्यायालय का जो निकाल है वो शिवसेना पार्टी के पक्ष में है। आप एक बार समझ लीजिए, ये सरकार गैरकानूनी है, इलीगल है, ये सर्वोच्च न्यायालय ने बताने के बाद भी इस राज्य के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री मीडिया के सामने हंसकर जाते हैं और कहते कि हम ही जीत गए। ये कौन सी, अभी मैं इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा, क्या बात है। लेकिन जनता को हम बताएंगे ये गलत है। और कर्नाटक के बाद महाराष्ट्र में जैसे कर्नाटक जीता है वैसे हम महाराष्ट्र जीतेंगे। और जो सभाएं हमारी बाकी है, पुना है, कोल्हापुर है, वज्रमूठ की सभा, महाविकास आघाड़ी की वज्रमूठ हम फिर एक बार यहाँ दिखाएंगे। सीट शेयरिंग के बारे में चर्चा आने वाले दिनों में जरूर होगी। आज प्राइमरी डिस्कशन हुआ है और हमारे तीनों पार्टी में कोई मतभेद नहीं है और बहुत ही शांततापूर्ण तरीके से सीट शेयरिंग हो जाएगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। देखिए मुद्दे बहुत है, महाराष्ट्र में सिर्फ मुद्दे ही मुद्दे हैं। अगर कर्नाटक की सरकार करप्शन में 40% है तो यहाँ 100% है। ये 100% करप्शन यानी खोखा है। खोखा में सिर्फ 100% करप्शन होता है। एक जमाने में पेटी के बाद चलती जाए खोखा के बाद चल रही है। हम उसके खिलाफ जनता में जाएंगे। हम मजबूत लोग हैं। असहाय लोग दो बैठे हैं, एक मुख्यमंत्री एक उप मुख्यमंत्री। उनके जैसे असहाय लोग हमने जिंदगी में इस महाराष्ट्र के राजनीति में नहीं देखे हैं। एक जो मुख्यमंत्री है वो डिप्यूटी सीएम के पास देखता है और डिप्यूटी सीएम दिल्ली की तरफ देखता है। इतने असहाय लोग हमने देखे नहीं है।